अलैकुम गाइस, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं? हमजा समाज फिर आप सब की किस्मत पे हाजिर है एनिमल्स वर्ल्ड की हाथ से। तो गाइस आप देख सकते हैं, छोटा सा बच्चा रेस्क्यू करके लाए हैं। छोटे बच्चे इन्होंने रेस्क्यू किया है गली में से। मदर इनकी कहीं मतलब मिल नहीं रही थी इनको, तो इन्होंने देखा इसकी आईज प्रॉपर बंद हुई थी। तो अभी मैंने एक आईज थोड़ी सी साफ की है, एक आईज में मुझे इन्फेक्शन लग रहा है। काफ़ी लोग हैं जो किटन को रेस्क्यू करते हैं। सबसे पहले आप कभी भी छोटा बेबी रेस्क्यू करें उसकी देखा करें आईज गंदी तो नहीं है। अगर गंदी है प्रॉपर अच्छे तरीके से आईज साफ करें। ये देखें, एक आईज हमने साफ कर दी है क्योंकि बेबी तकरीबन है 1 मंथ इसकी एज है। एक आईज इसकी बंद हुई हुई है, ये देख रहे हैं प्रॉपर गंदी हुई हुई है आईज इसकी। कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द ये ठीक हो जाए क्योंकि मदर तो इसकी पास नहीं है, लेकिन ये खाना उम्मीद है ये खा लेगा। बस 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 आईज में ना इन्फेक्शन हुआ हुआ इसका। तो आपने देखा होगा मैंने एक छोटी सी वीडियो बनाई थी आप सबके लिए कि कभी भी कैट को या किटन को इन्फेक्शन हो आईज का तो आपने टोब्रेक्स के ड्रॉप यूज़ करने हैं जो इंसानों के लिए यूज़ होते हैं। फेस मैं कह रहा हूँ प्रॉपर अच्छे तरीके से इसका साफ कर दें। है तो बच्चा है लेकिन हम प्रॉपर इसकी केयरिंग तो करें ना। ये देख रहे हैं एक आईज माशाल्लाह बिल्कुल ओपन हो गई है, क्लियर हो गई है। एक आईज थोड़ा सा बस इन्फेक्शन है, वो आईज में हम ड्रॉप डालेंगे। देख रहे हैं आईज बंद हुई हुई है इन्फेक्शन की वजह से, लेकिन ये है दिन में 3 दफ़ा अगर ड्रॉप डालेंगे तो ये प्रॉपर बिल्कुल कवर हो जाएगा। अब इसको विस्कास की जेली भी डालेंगे कि इसको भूख लगी होगी। प्रॉपर फेस से फेस जो उनसे इसका साफ कर देते हैं अच्छे तरीके से। माशाल्लाह बड़ा प्यारा हो गया बच्चों, ये बहुत अच्छा किया आपने। सर ये पकड़े जरा बेबी, ये टॉप रेक्स के ड्रॉप लिए हमने। अब ये ड्रॉप अप्लाई करेंगे और ड्रॉप से इंशाल्लाह ताला ये प्रॉपर जल्दी ठीक हो जाएगा। आपको तरीका कार भी बता देता हूँ किस तरह आपने ड्रॉप यूज करना है। ये देखें, ये ड्रॉप लेने हैं, इसको ओपन करना है, ये फ्रिज में रखने हैं आपने। अब जिस किटन या कैट की आईज में इन्फेक्शन होगा तो आपने कोशिश करनी है उसकी आईज, ये देख रहे हैं ये प्रॉपर बंद हुई हुई है, ये देख रहे हैं इन्फेक्शन की वजह से। तो एक कतरा इसकी आईज के ऊपर ड्रॉप डालेंगे। एक मिनट, अच्छा अच्छा अच्छा, बस 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 एक मिनट, इसकी टांगों पे थोड़ा सा रखना। बस ये आइस में जब ड्रॉप डालना ना, आइस कुछ देर के लिए आपने ओपन रखनी है। ये देख रहे हैं आप कि ये अच्छे तरीके से जो इन्फेक्शन हुआ हुआ आइस में वो ठीक हो जाए। ये इंशाल्लाह ताला कल तक इंशाल्लाह उम्मीद है ठीक हो जाएगा। अभी ड्रॉप डालें, अब एक सुबह डालेंगे एक दोपहर शाम तक काफ़ी रिकवर हो जाएगी इसकी आइस। दूसरी आइस में भी ड्रॉप डाल देते हैं एहतियातन तौर पे कि इन्फेक्शन अगर इसमें भी हो तो ये जल्दी से ठीक हो जाए। ये देख लें, जब ड्रॉप डालना है कुछ देर के लिए आइस ओपन रखनी है। किटन बहुत ही छोटा है लेकिन बहुत ही प्यारा है, बहुत ही मासूम किटन है। इसको अब जेली फूड यूज़ करवाएंगे कि इसको भूख लगी होगी। एनिमल्स वर्ल्ड पे आया तो इसका कुछ ना कुछ तो बनता है ना खाने का, डिश होना चाहिए इसका। इसके लिए ब्रेक फूड अभी ओपन करते हैं। ये विस्कास की जेली ओपन कर ली है, भूख इसको काफ़ी लगी होगी तो हम जेली फूड डालते हैं कि खाए, उम्मीद है ये खा लेगा। अच्छा अच्छा अच्छा, बस 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 बस, खाना खाओ आप। अच्छा 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 अच्छा, एक सेकेंड, फर्स्ट टाइम आपको पता है ना बच्चे को भूख काफ़ी लगी होगी। खाओ 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 मानो, माशाल्लाह उम्मीद है ये खा लेगा। ये लिक करना स्टार्ट कर दिया इसने, बच्चा ज़रा छोटा है ना इस वजह से इसको प्रॉब्लम हो रही है खाने में। ये देखें खाना स्टार्ट कर दिया, स्मेल आ गई ना इसको क्योंकि किटन की सूंघने की ताकत बहुत ज़्यादा होती है। अगर बेड फूड खाएगा तो जल्दी जल्दी इसके अंदर ना जान आ जाएगी क्योंकि आपको पता नहीं कब से मदर फीडिंग इसने की है, भूख लगी होगी इसको। लेकिन ये मुझे अच्छी बात लगी जिन्होंने रेस्क्यू किया है, उन्होंने दूध लिया है उसमें हल्दी मिलाई है उसको पिला दी है कि छोटे छोटे। अच्छा अच्छा, खा लो खा लो खा लो खा लो, ये लो मानो ये लो, खा लो खा लो खा लो खा लो खा लो खा लो, शाबाश। अच्छा अच्छा अच्छा, बस बस ये लो ये लो, क्रीमी ट्रीट कोशिश करेंगे खिलाने की। चिकन खा लेगा लेकिन अभी थोड़ा थोड़ा ना, आपको पता है जरा स्ट्रेस में बेबी गया हुआ ना, माँ की याद आ रही होगी उसको। हाँ जी हाँ जी, कुछ नहीं हुआ कुछ नहीं हुआ, इंशाल्लाह उम्मीद है ये जल्दी रिकवर कर देगा। बाकी कोशिश किया करें कभी भी आपको किटन मिले रेस्क्यू करने के लिए उसको रेस्क्यू करके अगर आइस की प्रॉब्लम आए तो आपने बेबी वाइप्स उसकी आइस साफ करनी है प्रॉपर और ड्रॉप यूज़ करने हैं टॉबलेट्स के। बाकी जितना हो सकता है मुझे सपोर्ट करेंगे। अच्छी अच्छी आप सबकी वीडियोज़ देख रहा हूँ, शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।